इस दुनिया में पिरामिड से एक ऐसे मॉन्यूमेंट है जो सबसे ज्यादा रहस्यमय है। सालों की रिसर्च से ये पता चला कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स अभी के टाइम में बनाना संभव नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे थ्योरीज भी है और काफी लोगों का ये भी मानना है कि ये स्ट्रक्चर्स एंशिएंट एलियंस द्वारा बनाए गए हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह सोच पाना भी मुश्किल है कि अभी के टाइम में ही इतने बड़े मशीन्स और क्रेन्स के बावजूद भी इन पत्थरों का वजन नहीं उठा सकते, तो उस समय ये पत्थर कैसे उठाए होंगे, क्योंकि पिरामिड का एक पत्थर 2200 किलो से भी भारी होते हैं। इसलिए लोगों का यह मानना है कि उनके पास उस समय में ऐसे मशीनरीज आ गए थे कि उनका काम और भी आसान बना दिया। सभी पिरामिड्स में से खुफू एक ऐसा पिरामिड है जो कि इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे लंबा और सबसे बड़ा पिरामिड है, जो कि 3800 सालों के वक्त तक खड़ा है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये 2.3 मिलियन पत्थरों से बना है और इतना एग्जैक्ट बना है कि इंसान के बाल पत्थरों के गैप के अंदर नहीं जा सकते। असल में ये पिरामिड चुना पत्थर से कवर किया गए थे। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती थी तो ये चमकने लगते थे। इसकी चमक इतनी तेज थी कि चांद पर से भी देखी जा सकती थी। पर अफसोस की बात ये कि भूकंप के चलते जो कि 14 सेंचुरी में आया था, उसकी वजह से लाइट अब नहीं रही। और एक बात है कि जो इसे यूनिक बनाती है, जो कि है इसके पैसेजेस जो कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ जाते हैं। यही नहीं, ये पिरामिड हमारी धरती के मास के सेंटर में है और यही बात इसे अजीब बनाती है और यह बताती है कि उस समय के लोग कितने स्किल्ड और उनके पास कितने टेक्निक्स थे। लेकिन आज भी साइंटिस्ट इस बात से इनकार करते हैं कि उस समय इतनी मशीनरीज और टेक्नोलॉजी नहीं थी कि इन पिरामिड्स को खड़ा कर दे। काफ़ी साइंटिस्ट और लोगों का यह मानना है कि पिरामिड्स एलियंस की मदद से बनाए गए हैं। सिर्फ पिरामिड्स ही नहीं, स्टोनहेंज और ईस्टर आइलैंड ऐसे मिस्ट्री स्ट्रक्चर्स है जिनकी मिस्ट्री अब तक अनसॉल्व है, और उस समय ऐसे जीनियस स्ट्रक्चर देखने से वो इम्पॉसिबल से लगते हैं। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा इसलिए बना गया था क्योंकि वो फोर्थ डायनेस्टी के राजा खुफू ने अपने कब्र के लिए बनाया था ताकि उनके मरने के बाद वहां दफनाया जा सके। गीजा का दूसरा पिरामिड राजा खुफू के बेटे खफरी के लिए बनाया गया था और इसलिए इसे पिरामिड ऑफ खफरी भी कहा जाता है। और इसके सामने जो स्टैचू है उसे स्पेनिक्स भी कहा जाता है। स्पेनिक्स को इस पर खड़ा कराया गया है मानो कि ये पिरामिड के पैर जारी कर रहा है। पिरामिड अंदर से ऐसा बनाया गया है कि बाहर के टेम्परेचर कितना भी गर्म हो मगर अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। पर ये पिरामिड्स बाहर जितने अच्छे लगते हैं उतने अंदर से रहस्यमय है। इसके अंदर बहुत सारे टनल्स और चेम्बर्स है, ज्यादातर उनमें से अनएक्सप्लोर है। साइंटिस्ट का यह मानना है कि गीजा का एक पिरामिड बनाने में 50 लाख टन लाइमस्टोन, 8000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मॉर्टलेज का इस्तेमाल किया गया है। और इन पिरामिड्स को बनाते वक्त इन्हें स्टार्स के अलाइन किए गए थे जो कि ओरियन बेल्ट से अलाइन किए गए थे। अगर आप पिरामिड के लोकेशन का कोऑर्डिनेट लेके मीटर्स में कन्वर्ट किया जाए और लाइट की जो स्पीड होती है उसे मीटर्स में कन्वर्ट किया जाए तो वो सेम नंबर आएगा जितना पिरामिड्स का मेजरमेंट है। शायद एंशियंट सिविलाइजेशन के लोग इसे सुराग छोड़े है मानो कि वो चाहते हैं कि हमें ये पता चले कि हमें ये कुछ कहना चाह रहे हैं। कुछ थ्योरीज ये कहते हैं कि एंशियंट सिविलाइजेशन के लोग स्टार्स को देखकर ही नॉर्थ और साउथ पोल का जायजा ले सकते थे। 2013 में आर्कोलॉजिस्ट को इजिप्शियन डेजर्ट की वादी अलजेफ में 4500 साल पुराना पेपरस मिला जो कि एयरटेक में लिखा हुआ है। पेपिरस इजिप्ट में पाया जाने वाला पौधा है जिससे कागज जैसा मटेरियल बनता है और लिखने के लिए इसका ही इस्तेमाल किया जाता है। इसे दुनिया का सबसे पुराना पेपिरस भी कहा जाता है। जब राजा वहाँ राज करते थे इस पर लिखा यह दर्शाता है कि लाखों टन लाइमस्टोन को तोरा से लेकर गीजा तक पहुँचाया। ये पेपिरस इजिप्ट की राजधानी कैरो में अभी भी उधर के म्यूजियम में मौजूद है। जब भी आप पिरामिड को देखोगे तो उसका अलाइनमेंट ओरियन बेल्ट से मैच करेगा। ये कैसे हुआ ये अभी भी बहुत बड़ी मिस्ट्री है। उस समय इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी जहाँ अलाइनमेंट का इतना आसानी से पता लगाया जा सके। पिरामिड्स में आपको क्या लगता है कि वह ममीज होगी, लेकिन आप गलत हो। पिरामिड्स में आज तक एक भी ममी नहीं पाई गई। ऐसे बहुत सारे प्रूव्स है जिससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं एंशिएंट एलियंस और पिरामिड्स में कुछ ना कुछ संबंध जरूर है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी ऑन कर देना।